पीएम किसान योजना रे प्रत्येक चाषी 30,000 टंका लेखाए पाई सारे जो मैंने पाईना हो से मैंने केमती पकेब कौ मैंने इलिजिबल बहुत रूराल आमर अर्बन एरिया रो चाषी मैंने जो मान जमी पटा थी ता सहित रेसन कार्ड थी से पकई पारे नुआ एप्लाय बर्तमान होकर लास्ट चान्स अच्छे आपको पकेबाई तो पूरा भिड देखते मुझे फुल प्रोसेस स्टेप बै स्टेप कह देती केमती मोबाइल मध्यम भी एप्लाय करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड हिसाब से केवल आपको लैंड जमी पटा अपलोड करके पड़ी जोटा 200 KB PDF फाइल हो दरकार जदि ना आपड़ कौटू स्कान कर आनतु घर बसिक निजे आराम से पकई पारे कौन से सीएससी सेंटर को भी जबार आवश्यकता ना ठीक अच्छे बाकी आपको यहाँ कौन कौन डॉक्यूमेंट लगे कौन कौन केमती एप्लाई हम सब डिटेल्स स्टेप बै स्टेप अच्छे भिडियो पूरा देखो यार जब सर्ट भिडियो आप रिल्स देखते इनस्टाग्राम कि फेसबुक तेज यार फुल भिडियो मोर यूट्यूब चैनल संजय दास 1995 सर्च करके आसिक देखिपारे ठीक अच्छे भिडियो को सेयार करूँ समस्त हेल्प हो जय जगन्नाथ प्रथमे आपको जीवाक पड़ो निजर मोबाइल क्रोम ब्राउजर को सर्च करदे पीएम किसान फर्स्ट वेबसाइट आसी आपको जो .gov.in से क्लिक करदे आखिर न्यू रजिस्ट्रेशन मिलूर गोटे मोदीजी ये फोटो मिले जोटा को ये तीर मारे हटिज नेक्स्ट न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कले आपको दुटा ऑप्शन मागो रूराल फार्मर रजिस्ट्रेशन अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन ठीक अच्छे आपन को करिवार कोन अछि रूराल फार्मर रजिस्ट्रेशन जदि गाँव रोथे अर्बन जदि सहरांचल म्युनिसिपालिटी रोथे तापर आपको ये आप आधार नंबर मारे पड़ो 12 आधार नंबर ये मारापर आपको निजर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नंबर मारे पड़ो ठीक अच्छे जहाँ भी आपंकर नंबर थी से मारिदे निजर स्टेट सिलेक्ट करेंगे स्टेट सिलेक्ट कलापर ये जो सैड्रे कैप्चा अच्छे से कैप्चाटा को आपको ठीक ठाक मारे पड़ो जोटा कैपिटाल लेटर देख कैपिटाल स्मल जोटा अच्छे से स्मल पुणी कैपिटाल जोटा स्मल स्मल एमती करके मारे ठीक अच्छे मोबाइल नंबर जोटा देते हैं आधार सहित लिंक थी दरकार आउे गेट ओटीपी क्लिक करदे गेट ओटीपी क्लिक कलापर आपको ओटीपी चल जो ओटीपीटा आपको मोबाइल नंबर को सांगे सांगे आसो 4 ओटीपी ठीक अच्छे आपको सी 4 ओटीपी ये एंटर करा पड़ो 4868 मोर आसीगला 4868 आ 4 ओटीपी एंटर कलापर आपको आउ गोटे कैप्चा जोटा सैड्रे अच्छे से कैप्चाटा को एंटर कराया पड़ो जमी कैपिटाल अच्छे कैपिटाल स्मल अच्छे स्मल एंटर करके सबमिट मारदे सबमिट मारला आउ गोटे 6 ओटीपी आप नंबर को जीव ठीक अच्छे जोटा आधार ओटीपी आधार लिंक तरफ आसो टे वेट करेंगे मे बी लेट हो पाए कि आधार रु 6 ओटीपी आसो फास्ट 4 ओटीपी 6 मैंने रही देन वेट कर आमर 6 डिजिट ओटीपी आसीगला तो से ओटीपीटा को आपको आधार ओटीपी जगह एंटर कराया पड़ो 6 ओटीपी फास्ट गला 4 ओटीपी आसो सेकेंड ओटीपीटा जोटा आधार ओटीपी 6 सेटा कला पर आउ थे कैप्चा आपको भरिया पड़ो जो कैप्चाटा प्रथम देते से 4 ओटीपी था नेक्स्ट जो कैप्चाटा आप स्क्रीन में थी पुणी से मारे आउे वेरीफाई आधार में ठिक करके कनसेंट गिवन रे ठिक करके वेरीफाई आधार में क्लिक करदे आपंकर आधार वेरिफिकेशन आरंभ होदी आधार वेरिफिकेशन फेल होती जानवे आप गोटे भूल कर आधार वेरिफिकेशन फेल्ड यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड यार मैंने मुझे ओटीपी भूल मारे देख 618 मारे कि 6158 अच्छी तो मुझे ओटीपी भूल मारदे तो से 6155587 तार ओटीपी थी जेहेतु भूल ओटीपी थी आप मारे तो आउ थे कैप्चा आसो तो से कैप्चाटा को आपको आउ थे चेंज कराक पड़ो एमती प्रोसेस कौटे भी भूल आग को नहीं भूल होबार चान्स ही ना नेक्स्ट टाइप आपको वेरीफाई करदे आपंकर आधार वेरिफिकेशन सक्सेस हो फर्मटा बन जो आपको स्टेट सिलेक्ट अलरेडी हो सारी आपको जिला सिलेक्ट कराया पड़ो डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट आपको ब्लॉक को ब्लॉक रु बिलंग्स कर एसबू आपको सिलेक्ट कराया पड़ो कि एंटर करें ना नेक्स्ट आपंकर भिलेज जदि आपंकर भिलेज लिस्ट ये शो करनी तेल आप जो रेवेन्यू भिलेज मौजा जोटा से एंटर करेंगे बहुत जन गाँ एमती थी आउ कौ गाँ सा रेवेन्यू भिलेज सहित मिक्स होपर नेक्स्ट आप तौक आसे निजर कास्ट सिलेक्ट करेंगे कौ कास्ट रु बिलंगस कर एससी एसटी जनरल ओबीसी तो नए ये तापर नेक्स्ट तौक आसे आपको आपंकर बापा नाम देवा पड़ो तापर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी एटा गोटे बढ़िया जिनसा देखो आपको भी आप छाड़ पारे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको कौटू मिले आपको कृषक ओडिशा रजिस्ट्रेशन कलापर मिले कृषक ओडिशा रजिस्ट्रेशन केमती करेंगे तार लिंक तार पूरा प्रोसेस वीडियो मुझे लिंक दे दीजिए डिस्क्रिप्शन में मोर डिस्क्रिप्शन में देखिए आप कृषक ओडिशा रजिस्ट्रेशन करेंगे कृषक ओडिशा रजिस्ट्रेशन कले आपको गोटे आईडी नंबर मिले जोटा ये पकड़ पड़ो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी ये आईडी थी WHC
ଏମିତି ଲେଟର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର କାମ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ ପାଇଁ କାମ ଅଛି ସେଇଟା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବ ସେ ନମ୍ବରଟା ଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ନ ଲଗେଇବେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଫର୍ PM ମାନଧନ ଯୋଜନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ, ଯେଉଁଟା 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ଦେବ, ସେଇଟାକୁ ନ ମାରିଦେବେ ସେ ସ୍କିମ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନଥିବେ। ଯଦି ଦରକାର ଥିବ ୟେସ୍ ଲଗେଇବେ, 90% ନ ମାରିଦେବେ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ରହିବ। ତା'ପରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଓନରସିପ୍, ଯେଉଁଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍, ସେଇଠି ଯଦି ତଳେ ଗୋଟେ ଏଡ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଡ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିବ ଯେଉଁଠି ଖାତା ନମ୍ବର ମାଗିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପଟାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଠି ଖତିଆନୁକ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଖସଡ଼ା ନମ୍ବର ବା ଖାତା ନମ୍ବର, ଠିକ୍ ଅଛି, ସର୍ଭେ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଲଗେଇବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଖତିଆନ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ପ୍ଲଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଖସଡ଼ା ନମ୍ବର ବା ଆମର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର, ସେଇଟା ଏଇଠି ଲେଖିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ପଟାରେ 4-5 ପ୍ଲଟ୍ ଥିବ ସବୁଯାକ ପ୍ଲଟ୍କୁ ଏମିତି କମା ଦେଇକି ଲେଖିବେ। ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଏକରରେ ଥିବ ତାକୁ ହେକ୍ଟରରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ଏଠି ପକାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକରକୁ ହେକ୍ଟର କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବେ, ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଏକର ACER ଏକର ଟୁ ହେକ୍ଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକର ଟୁ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର କନଭର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଆସିଯିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଏକରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଅଛି ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଡେସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଫିଲଅପ୍ କରିଦେବେ। ଧର ମୋର 1.4 ଏକର ଅଛି, ତ ତା'ର ହେକ୍ଟର ଆସିଗଲା 0.45, ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆସିକି ହେକ୍ଟରରେ ତାକୁ ପକାଇଦେଲି, ତ ମୋର ଏକର ଟୁ ହେକ୍ଟର କନଭର୍ଟ କରିକି ଜମିର ମାପଟାକୁ ପକାଇଲେ। ତା'ପରେ ଏଇଟା ବିଫୋରରେ ରହିବ, ଗିଫ୍ଟେଡ଼୍ କରିଦେବେ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ରହିବ, ଯଦି କାହାଠୁ କିଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ୱେରେ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ରଖିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଡେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 2000 ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ଡେଟ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା କିଛି ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଟା ନମ୍ବର RF ନମ୍ବରରେ ନ କରିକି ଏଡ଼୍ ମାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଡ଼୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଡେଟ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍, ଏ ଡେଟ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡେଟ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ କିଛି ବି ଚଳିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼୍ ମାରିବାର ଅଛି, ସବୁ ସରିଲା ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼୍ ମାରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଡ଼୍ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ, ହଁ ଏଡ଼୍ ମାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ହୋଇକି ଆସିଯିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଣ୍ଟର୍ କଲେ ସେଇଟା ରହିଯିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ପଟା ଏଣ୍ଟର୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ କାମ ସରିଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫାଇନାଲ୍ ସେଭ୍ ମାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର୍ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇନ୍ସେଟ୍ ହେଉଛି 11।